कारदे ज़हूर तक इन्हों नस्लों कैम उदैम फरमा। मालिक जितने उलमाए किराम मुज़ाकिरी नज़ाम खुतबा शोहरा वाइज़ीन आज़ादारा ने करीम करबला शोहदाए इमामिया तुहाडे मेरे मरहूमीन दुनिया फानी छोड़ गए मालिक दर्जात बुलंद फरमा। मालिक जितने हथ मेरे समेत तेरे दरबार आली च बुलंद हैं किसी कमीने दे मोहताज न होवे। वारस दे होने लोगों सन बेवारस समझे साडे हकीकी वारस दा जल ज़हूर फरमा। जितने मोमनी नो सदात मोमनी नो ममनात मरीजन हाजिर या गैर हाजिर जमी मरीजन सेहत कुली अता फरमा। बुजुर्ग मरीजन मालिक सेहत अता फरमा। बाबा सईद गुलाम शबीर शराजी बाबा सईद नजर हुसैन शाह साहेब सईद जवेद अली शाह मौलाना सैयद मुख्तार हुसैन शाह साहेब वालदा सईद उलकरनैन मरीज हैं मालिक सेहत कुली अता फरमा। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारकुम फीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रति अहलु बैती बावाज़े बलन सलावात। अल्लाह दी कलाम नू आयत आख दिन, नबी दी कलाम नू हदीस आख दिन, इमाम दी कलाम नू कौल या फरमान आख दिन। अगर कोई इस मकाम तो बयान करे जो मैं तुहाडे सामने आयत तलावत कीती है तो समझो रहमान दी गल करना चाहता है। अगर कोई बंदा के मैं तुहाडे सामने हदीस तलावत कीती है तो समझो जिस नबी दा असा कलमा पढ़दे हाँ, जिस नबी दी शरीयत असा अमल पैरा हाँ, जिसनों अल्लाह ने आलमीन च रहमत कुल बना के भेजे है उस नबी दी गल करना चाहता है। अगर कोई बंदा आखे जो मैं तुहाडे सामने कौल या फरमान पेश कीता है तो समझो जिन्ना बारह की इमामत दे असा कायल हाँ उन्ना बारह चो किसा एक की गल करना चाहता। बजुर्ग सारे जानते हैं सिर्फ बच्चों तक बात पहुँचावन वास्ते मैं दो जुमले गुजारिश किए न। जिस नबी की जबान ते अल्लाह ने वमा यंतकुनल हवा की मोहर लाई, जिस नबी की जबान बगैर वही दी हरकत नहीं करती, वही दे मुताबक जबान को हरकत देवण वाले रसूल ने इरशाद फरमाया मैं तुहाडे च दो गिरां कदर चीज़ा छोड़ के जा रहा, एक कुरान दूजी इतरत अहल बैत। कुरान नू भी मुस्तफा छड़े, अहल बैत नू भी मुस्तफा छड़े। कुरान दे छड़न वाला भी कलमे वाला रसूल है, अहल बैत दे छड़न वाला भी कलमे वाला रसूल है। कुरान नू भी आलमीन दी कुली रहमत मुस्तफा छड़ के गए, अहल बैत नू भी आलमीन दी कुली रहमत मुस्तफा छड़ के गए। तो मैं गुजारिश करता रहना तुहाडे तवस्सुल वसीले नाल, चूंकि पूरा वर्ल्ड वेख रहा है, मैं उन्हां बंदियां नाल जिहड़े बंदे मुस्तफा दी अहल बैत दे मुनकर ते दुश्मन हैं, मैं उन्हां बंदियां नाल तुहाडे वसीले नाल गल करदा रहना, बस साडे शीयां दी जिद दी वजह तू मुस्तफा दी अहल बैत वाले पासे कंड न कर। यानी साडी जिद दी वजह तू मुस्तफा दी अहल बैत वाले पासे कंड न कर। मशरक तो लेके मगरब, शुमाल तो लेके जनूब, पूरी कायनात दरान जहान दे बंदे अगर मुस्तफा दी अहल बैत दे मुनकर हो जान, मुखालफ हो जान, मुस्तफा दी अहल बैत वाले पासे बंदे कंड कर वैन, ते अहल बैत नू अल्लाह जिहड़ी फजीलत मकाम बुलंदी शान इज्जत अता कीती है राई दाने बराबर फर्क नहीं आ सकता। मैं गल गलत तो नहीं की, मैं गुजारिश पे करदा पर कायनात सारी भी मुखालफ हो जाए तो अल्लाह ने मुस्तफा दी अहल बैत नू जिहड़ी फजीलत अता की उस राई दाने बराबर फर्क नहीं आ सकता। वेखो ना जरफ गिलास की शक्ल च होवे, जग की शक्ल च होवे, चाची जी बाल्टी की शक्ल च होवे, उस जिहड़ी शय तुस पेसो उ ही निकल सी। इंज गल जबान हले तो कोशिश करनी है, जबान ना हले तो इन सिर हलेंदे रहे ताकि मैं पता लगे हाँ जी भाई मेरी गल तुहाडे तक पहुँचनी पई है। बजुर्ग दुआ करे नौजवान पल्ले बनने की कोशिश करे आए, जरफ च भांडे च जो होवे अगर तुसा भांडे च दुध पावना है तो शरबत नहीं निकलना, शरबत पाए तो पानी यानी जेड़ा तुसा भांडे च रखना है वह ही निकलना है। जेडे बंदे मुस्तफा दी अहल बैत दे बारे च गंदियां ते गली जबाना इस्तेमाल कर रहे हैं चूंकि उन्होंने जरफ गंदे ने, तुस तवज्जो नहीं फरमाई। मैं गुजारिश की है जिस जरफ च जिहड़ी शय होवे उ ही निकलती है, तो जिहड़े बंदे मुस्तफा दी अहल बैत दे बारे च गंदियां जबाना इस्तेमाल कर रहे हैं उन्होंने जरफ च जो है वह ही निकलना है ना। अजिसा हराम जादे ना केड़ा सोना है, कितना खूबसूरत है, मगर उस कमीन पुणे की हद की है
12वां पर्दा गैबत च अपनी मर्जी नाल तो नहीं ना, मालक दे हुक्म दे इंतजार च बैठे। हालांकि अल्लाह ने 12वें एक तरह इख्तियार दिता है, बस जमीन नू आसमान बनावना चाहे आसमान नू जमीन बनावना चाहे, मशरक नू मगरब बनावना चाहे मगरब नू मशरक बनावना चाहे, शुमाल नू जनूब बनावना चाहे जनूब नू शुमाल बनावना चाहे। चूंकि इसकी जद ने यही जुमले आखे हैं, आ जो चाहवा कर सकदा। तो हसन अमीर की कचहरी च एक बंदे खलो के आखे किवें हो सकता है, मेरे इमाम ने उस सारे पासे वेख के आख्या तू औरत हो के मर्दां च के लैणा ही है। यानी इन्हान अल्लाह इख्तियार दिता है, बंदियां दे बनाए हुए इमाम नहीं, अल्लाह इमाम बना के जहान ते भेजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफा रहमतुल आलमीन है, तो मुस्तफा दी अहल बैत जिहड़े 12 इमाम समन्ने शिया असना अशरी यानी 12 इमाम दे कैल है, जिहड़े 12 इमाम साडे ने आलमीन दे इमाम है। ये सिर्फ पिंडी कालू वाली दे इमाम नहीं, हाथीवेन रायवेन मक्के मदीने दे इमाम नहीं, जिथों जिथों तक उसकी रबूबीयत है, जिथों तक मुस्तफा की रसालत है, उत्थों तक मुस्तफा दे जानशीन ताकत भी रख दें ते इमाम भी हैं। तो जिस पावर होवे जिस ताकत होवे उस दे बारे अगर बंदा गंदी जबान इस्तेमाल करे तो नुकसान अपने उन्होंने तो नहीं, जिहड़ा बंदा जमीन ते खलो के चन्न आले पासे इशारा करे पता नहीं सारा हले सो या बाज़वान हले सो, जिहड़ा बंदा जमीन ते खलो के चन्न आले पासे थुके नुकसान उस अपना करना है ना, बस सट्टी हुई थुक फिर उसके मुँह ते ही मुकाला बन के आसी, ये जी थुक सटदा कल है चन्न का नुकसान नहीं, नुकसान अपना ही है। जिहड़े बंदे 12वें भौकते खड़े न वो अपनी माँ का दसते नुदा किरदार के, तवज्जो फरमाओ, मैं जनाब नू गुजारिश कर रहा जी, मिल गया है डरी। यानी अल्लाह ने इन्ना 12 से 14 जे इख्तियारात दिते ना, इन्ना दा दुनिया ते आना अपनी मर्जी नहीं, दुनिया ते रहना अपनी मर्जी नहीं, दुनिया तो वापस जाना अपनी मर्जी नहीं, आए भी मालक दी मर्जी ना लेन, जहान ते रह भी मालक दी मर्जी ना लेन, ते जहान छोड़ना भी। ये जिहड़ा पर्दा गैबत च तुहाडा मेरा शहनशाह मौजूद है, जिस दी नालैन दा सदका जहान कैनात दा रहन वसदी खड़ी है, जिस दी नालैन दा सदका तैन मिन रिज़्क लभदा खड़ा है, जिदी जुत्ती नाल लगी धूड़ दा सदका तेरे मेरे साह चलदे खड़े न, ये साह 12वें दी नालैन दा सदका चलदा खड़े, ते जिदी नालैन दा सदका तेरा साह चलदा खड़े बंदा उसनू ही भौकन लग पवे। इन्हां इख्तियार है, ये जिहड़े वेले 12वें ज़हूर फरमावणा है ना, उस वेले 12वें दे हाथ च दादे अली दी जुल्फकार होनी, और इस जुल्फकार दा मौजदा है दो धारी तलवार ते तलवार दे दरमियान चूं एटम बम दे धुएं दी तरह धूं निकल सी। एटम बम्ब बनावण आले अपनी लपेट च उस धूं, चूंकि धूं निकलदा है ना, ये धूं जिथों जिथों तक वहद उसनों अपनी लपेट च लेंद, वासले जहन्नम कर दे या वासले जन्नत कर दे एक वक्री बहस है। ये जिहड़ा धूं है ना एटम बंब आ ये जिथों जिथों तक वही सी उसनों अपनी लपेट च ले सी। लेकिन जुल्फकार हैदरी की ये ताकत ते मौज है, जिस वेले 12वें दे हाथ चोवनी है तो इस चू जिहड़े वेले धूं निकलना है, इस पहले आके छातियां दा मुतालिया करना, ये धूं पहले छाती दा बावजी मुतालिया कर सी, जे छाती ते अली उन वली उल्ला होया उन्होंने छोड़ दे सी, जिहड़ा मुनकर है वासले जहन्नम करदा जाएगा। मिल गए जी, यानी मेरे 12वें जिहड़े वेले तशरीफ लियाना है तो 12वें दे हाथ च दादे अली अली जुल्फकार होवनी, फिर 12वां पूछीबा कौन कौन मुखालिफ है, कैनात सारी दे खजाने जिथे जिथे होए पुकार के 12वें नखे सन असा मौजूद हाँ, जिथे इस्तेमाल करने असा हाजिर, अल्लाह दे मुकर्रब तरीन फरिश्ते हथियार लैके आसमान तू 12वें की मदद वास्ते 12वें की फौज शामिल होवन वास्ते नाजल हुसन ना केड़ा खूबसूरत आई, तो गल्लां किड़ियां गलीज कीतियां है बाक्सर हरामजादा 12वें दे बारे जिहड़े लफ्ज़ उस इस्तेमाल किए ना, साडी जबान नूं ताकत ने ना साडी कलम नूं ताकत है, ना कलम लिख सकती है ना वो असां बयान कर सकते हैं। 12वें दे बारे जिहड़े बकवासात करदा खड़ा है, मैं आदा खड़ा जिहड़े वेले 12वें दा ज़हूर होना है उस वेले पता लगना है हक कित्थे ते बातल कित्थे। ये जिहड़े आले मुहम्मद दे मुखालफ ने क्यों मुखालफ कभी अलग बह के सोचे तुम, यानी मुस्तफा दी अहल बैत दे जिहड़े बंदे मुखालफत करदे ना वो किदाई दे भी होवे ना पीर जी, जिहड़े बंदे मुस्तफा दी अहल बैत दी मुखालफत करदे क्यों करदे, जिहड़ा मैं नतीजा कढ़िया
जिस वेले मुस्तफा दे मदीने ते हमला होया, मुस्तफा दे शहर ते हमला होया, ते 1000 बच्चा बगैर निकाह दे दुनिया ते आए, निकाह होए नहीं, बच्चे जम पे। हर गल इतों खोल के नहीं की जा सकती, सियाने बंदे बैठे हो, तारीख ते तुहाडी निगाह है, तो सारे मेरे नाल बेहतर जानते हो। ये जिहड़ा 1000 बच्चा बगैर निकाह दे दुनिया ते आए, फिर उन्हां दे निकाह होए, फिर बच्चे जमे उन्हां दे निकाह होए, फिर बच्चे जमे फिर उन्हां दे निकाह होए, फिर बच्चे जमे, फिर चलदा 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 वह निकाह बगैर निकाह दे नसल चलती चलती साढ़े दौर तक आ गई है। उन नसल चू जे हरामी इबने हरामिया उन्हों चू एक बाक्सर भी है जो बारहवें भौकदा खड़ा है, उन्हें चू एक ये हरामी भी है। ऐसे हरामी ते उठदे आं बांदे आं चलदे आं फिरदे आं, लानत कीती करो। ते बारहवें दे जहूर दी वाजब नमाज च दुआ दे हथ बुलंद करके दुआ कीती करो जो बारहवें जल्दी इज़्ने जहूर मिले, ताकि ऐसे कमीने जिहड़े उन्हां दा सफाया होवे ते अदल दी शाही होवे। एक सलवात पढ़ो खंदा पेशानी नाल, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वा आले मुहम्मद वा अज्जल फरजाल। तो मैं गुजारिश पे करदा जी मुस्तफा दो चीज़ां छोड़ के गए ने, कुरान दूजी इतरत अहल बैत। अहल बैत नूं भी मुस्तफा छड़े, कुरान नूं भी मुस्तफा छड़े। तो मैं गुजारिश कर रहा मगर पूरी कायनात के बंदे मुस्तफा दी अहल बैत के मुखालफ हो वंजन। चाचा अल्लाह जिहड़ी अहल बैत ते मुस्तफा ने फजीलत अता की है, राई दाने बराबर फर्क, पता नहीं कितनी दाद दे सो कितनी दुआ दे सो जुमले की कीमत बने। मैं जनाब अब्बास की इज्जत आले अलम की कसम है, सादा तो मोमनीन जिन्ना बंदियां आले पासे अहल बैत मुस्तफा कंड कर वंजन, उन्हें बंदियां ते इत्थे भी लानत है, कबर च भी लानत है, मैदान मैशर च भी लानत है। मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी का तारुफ कराया हुक्म जनाब सैयदा की फजीलत, एक जुमला मैं जनाब की खिदमत गुजारिश कर रहा। अल फातिमा तो बस अतु मिनी, फातिमा में मुहम्मद दा जुज है, नबी कुल सैयदा उस कुल दा जुज है। पिछली मजलिस भी मैं जनाब सैयदा के हवाले नाल चंद गुजारिशात कीतियां, हुक्म है तो फिर मैं चंद गुजारिशात जनाब की खिदमत पेश कर दा। आखण वाल ओ जी की जबान ते अल्लाह ने वमा यंतगुल हवा की मोहर लाई, ये जबान बगैर वही दे हरकत नहीं कर दी। मुस्तफा फरमाया फातिमा में मुहम्मद का जुज है, पहले कुल की इज्जत, पहले कुल की फजीलत, पहले कुल का मकाम बंदे के जहन च आवे, तो फिर उस कुल के जुज का पता लग सी बकुल कितनी फजीलत का मालिक है, फिर इस कुल का जुज बतूल कितनी इज्जत की मालिक है। इस कुल अल्लाह ने इस जुज के बारे च हुक्म दिता है, जेड़े वेले मेरी सैयदा तुहाडे सामने आवे उठ के इस्तकबाल करना। जिनी कुल की इज्जत है बा नबी, वेखो इत्थे महफल सारे नबी मौजूद होवेन, सारे नबी एक जैसे नहीं, अल्लाह सारे नबी बनाए मगर सारे रसूल नहीं बनाए, नबी सारे मगर सारे रसूल, ये 1,24,000 अंबियाए चूं सारे रसूल नहीं, अल्लाह 313 रसूल बनाए, फिर ये जेडे 313 रसूल ने इन्हां चूं सारे उलुल अज़म रसूल नहीं बनाए, ये 313 चू फिर 5 उलुल अज़म रसूल बनाए। सारा हलाओ ता मुतमिना, जबान हलाओ थोड़ी ज्यादा मुतमिन हो, वैसा मिंबर दी अज़मत की कसम है, फिर ये 5 उलुल अज़म नबियां चू जेड़ा मुस्तफा दा मकाम है, किसा होर उलुल अज़म नबी दा नहीं। ते जिस वेले मुस्तफा दा कायनात ते नबी ते रसूल साहिब कलमा ते साहिब शरीयत मुकाबला नहीं कर सकते, ते आम बंदा मुस्तफा दा किवें मुकाबला कर सकदा। ते जिहड़ा कायनात तू फजीलत रखदा है, जिस दी वजह तू अल्लाह कायनात दा रहन जहान खल कीती है, उस मुस्तफा फरमाए फातिमा में मुहम्मद दा जुज है, मुस्तफा कुल है सैयदा उस कुल दा, ये जिहड़ा कुल है अल्लाह ने कायनात सारी इस कुल दा सदका खल्क फरमाई। जमीन है तो मुस्तफा दा सदका, आसमान है तो मुस्तफा दा सदका, मशरक है तो मुस्तफा दा सदका, मगरब है तो मुस्तफा दा सदका, शुमाल है तो मुस्तफा दा सदका, जनूब है तो मुस्तफा दा सदका, जेडे इंज पे करदे हो तुसा भी मुस्तफा दा सदका, जेड़ा हालां तक जेर भी नहीं हला सके। कायनात सारी मैं गुजारिश की थी, मुस्तफा दा सदका, मिट्टे तो सोने मदनी दी ना लैन दा सदका अल्लाह कायनात खल्क फरमाइए। नबी दी खुद ही चलो जेड़े झगड़े पवन की जरूरत कोई नहीं, कोई चार मनदा चार मन्ने, कोई एक मनदा एक मन्ने, ये लड़ाई वाली बात तो नहीं, किसा दे अकीदे च एक है वो एक मन्ने, किसा दे अकीदे चार है
उचार मने अपने अकीदे ने किसा ते ठोंसना ये इंसानियत की दलील नहीं। तुस अपना अकीदा पेश कर सकते हो मगर किसन जबरन मना नहीं सकते। वेखो नदारी दे बारे च मासूमीन ने हुक्म दिते न असा इतों बयान कर सकते हैं बदाड़ी रखने की कितनी फजीलत है तो दाड़ी बुनावन का कितना जुर्म है लेकिन असा किसा बंदे कोलू रखा नहीं सकते। नमाज की फजीलत असा बयान कर सकते हैं नमाज अगर न पढ़ी जाए उसकी सजा के पढ़ी जाए उस दाजर के नमाज दियाँ फजीलत सुल्तान लंबिया की जमीने तुहाडे सामने बयान कर सकते हैं। नमाज मोमन की महराज है नमाज दीन का सतून है नमाज काबिल कबूल है तो सारे अमल काबिल कबूल नमाज रद गई तो सारे अमल रद गए असा बंदियां नप के जमात शामिल नहीं कर सकते। रोजे का असा बयान तुहाडे सामने कर सकते हैं असा सहरी इफ्तारी तो नहीं करा सकता वजह है मेरे पास मैं गुजारिश पे करदा बा हक बयान किया जा सकता है छोटे नाल मनवाया नहीं जा सकता। हुण जिहड़े बंदे अली उन वलीउल्लाह की सदा बुलंद करदे ना जी ते जिहड़े इनकारी हैं बराबर तो नहीं दो बंदे बोले हो। मैं गुजारिश की थी कुछ बंदे अली उन वलीउल्लाह की सदा बुलंद करदे ते कुछ बंदे अली उन वलीउल्लाह की सदा बुलंद नहीं करदे बराबर तो नहीं। जिवें नमाजी तो बेनमाज बराबर नहीं जिवें रोज़ादार तो रोज़ा न रखण वाला बराबर नहीं जिमें जकात देवन आला तो जकात का मुनकर बराबर नहीं इंज ही अली की विलायत रखण आला तो अली की विलायत का मुनकर बराबर नहीं। तवज्जो नहीं मेरे पास तू सारे पे कर दे है दारी। हालांकि पहला जिहड़ा सवाल कबर च होना है ना वो तौहीद है मन रबो का तेरा रब कौन है इन्हीं कबर जेड़े वेले लिटाया वैना है ना तो वारस लिटा के ते कबर दी मिट्टी बराबर करके जेड़े वेले वापस हट सन तो उस वेले कबर फरिश्ते आके पूछन मन रबो का तेरा रब कौन है। पहला सवाल कबर च उसकी रबूबियत है उसकी तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फासल। मैं कलमे का न्याँ देना जनाब अब्बास दलम मेरे सामने है मैं गवाह बना के प्या दा जेड़ा मेरा मुताले मैं तुहाडे सामने रखदा अगर तुहाडा मेरा कीदा रले तो नारे की शक्ल ही मैं जवाब दे। पहला कबर सवाल जेड़ा होने चाचा जी होने तौहीद के बारे ते मैदाने मैशर जेड़ा सारिया तू आखर ते सवाल होना है वह होना है अली दी विलायत का सवाल। हुण अल्लाह नाख विलायत का सवाल पहले कर लैंदा आखर ते क्यों रखी ब नमाजा पूछ लिया नहीं रोजे पूछ लेनी हाई के बारे पूछ ली जकात के बारे पूछ ली जिहाद के बारे पूछ ली या अपनी तौहीद रसूल दी रसालत के बारे पूछ ली ये विलायत अली का सवाल मैदाने मैशर आखर ते क्यों रखी यानी सारिया इम्तिहाना चू बंदा पास हो के ते मुतमिन हो के जन्नत आले पासे वैन लगसी ते कुरान च आयत खलोती तो उस आयत की तशरीह शिया सुन्नी उलमा कीती है बजेड़ वेले जन्नत की तांग लैके ते अपने आप ते जन्नत दा सवार जहन करके टुरसन ब मैं जनती हाँ तो मैं जनती हाँ तो मैं जनती हाँ तो मैं बंदे किसा हुण रोकना नहीं उस वेले मालक आखना है वाकिफू हु मिन्ना हु मसलून इन्हां रोको इन्हां दे ते सवाल करना है तो पूछिया गया वो किहड़ा सवाल है तो जवाब आखे विलायत अली दा सवाल है मंदिर ते जा सकदे ना अगर मंदिर ते जन्नत जा सकदे ते जे नहीं मंदे जन्नत मासी दा वेड़ा नहीं कोई शरायत है ना वो मननियां ते फिर वेण तवज्जो करिया है। मैं गुजारिश कीती है बाकी सब बंदे ते अपना अकीदा ठोंसिया नहीं जा सकदा बयान किया जा सकदा कोई मन्ने उसकी मर्जी कोई कबूल न करे फिर तुस अगर सुन्नत रसूल वेखो ना तो सुन्नत रसूल जबर नहीं छोटे डंडके नाल नबी न तौहीद मनवाइए न रसालत मनवाइए न विलायत मनवाई। मैं सही आख रहा जी तुस कनेडा चो नहीं आए मैं जापान चो नहीं आया हर दूजे चौथी मजलिस से जनाब के चेहरे जियारत पी आती है मैं गल ठीक करता पे मैं गुजारिश पे करदा बा अल्लाह अपनी तौहीद सोटे नाल के ख्याल जेड़ा कुन फयकून दा मिसदाक इन्ना अल्लाह कुल शायद कदीर दा मिसदाक के ओ फरिश्तियां अगर नूरी बना सकदे ते तुहाडे च ये झूठ आला अंसर क्यों रखे यानी मटीरियल ही इंज दा हुंदा बजे दे च बुराई सोच ही नहीं सकी आ
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੋਚਣੀ ਇਨਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਦੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਵਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਹਲਾਲ ਹਲਾਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਲ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਦਾ, ਹਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਕਹੋਗੇ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਤਰੀਆਂ ਏਜਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਓ ਹੋਵੇ ਬਈ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਨਾ ਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚੋਰੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਨ ਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਫਾਲੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਿੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੀ ਗਿਆ, ਬਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾ ਪੀ ਗਏ, ਡਕੇਟੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾ ਪੀ ਗਿਆ। ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੁੱਲ ਅਤੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਸੱਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਜਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਬੈਠੋ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਟੀਰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਨ ਅਸ਼ਰਫ ਕਿਉਂ ਆਖੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦੀ ਆਖਰੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ 18,000 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸੇ, 18,000 ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਖਲੂਕ ਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ 18,000 ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਫਰ ਅਸ਼ਰਫ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਖਲੂਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਨ ਚਾਚੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢੇ ਬਾ ਅਸ਼ਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖੇ ਬਾ ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਹੇਨੋ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਹਾਂ 14 ਹਿੰਦ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ, 14 ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਰਫ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 14 ਮੰਨਦਾ, ਅਸ਼ਰਫ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 14 ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਮਖਲੂਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਸਕਦਾ ਜੋ 14 ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ, ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਵੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿੰਬਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਅਗਰ 14 ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਮਾ ਯੰਤਗਲ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਸਤਾਕ ਰਸੂਲ ਸਾਹਾਬਾ ਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਨ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਦਿਲ 14 ਇਤਨੀਆਂ ਫਜ਼ੀਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰਸੂਲ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਾਤਮਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੁਜ਼ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਖਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਖਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਨ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਜਹਾਨ ਸਾਰੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ੈਦ ਬਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਔਲਾਦ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇੰਝ ਗੱਲ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ੈਦ ਮਰ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਵਾਰਸ ਹੁਸਨ, ਇੰਝ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਉਸਦੀ ਵਾਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਖਤਮੀ ਮਰਤਬਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਹਾਨ ਛੋੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲੀ ਬਤੂਲ ਆਈ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਵਹਿਦ ਮਾਲਕਾ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਰੀ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ 'ਚ, ਨਬੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਵਾਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਯਾਦਾਂ ਬਗੁਸਤਾਖੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਏ ਨੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗੈਰ ਏ ਨੂਰ ਹਾਂਜੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਖਸਤਕਾਰੀ ਕਰੇ ਤਲਬ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰਨ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਜਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਨਬੀ ਆਖਰੇ ਫਾਤਮਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੁਜ਼ੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਰਾਮ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਮ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਵੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਦਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਅਮਾਲ ਹਬਤ ਹੋਵੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਮਾਲ ਹਬਤ ਹੋ ਵੈਂਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤਾਬੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ
फातिमा में मुहम्मद का जुज़ है। अगर सैयदान कोई अपनी महकूमी लेना चाहता है तो दायरे इस्लाम चू निकल जा सी। इस वास्ते सुल्तान लंबिया ने फरमाया, अगर कैनात रहन जहान च अली न होया तो मेरी जहरा की बराबरी करन अल्लाह कैनात च मर्द खलक ही नहीं कीता। ये जेडे उत्ती आंदे तो परवाज कर देना, ये जनाबे सैयदा की बराबरी नहीं कर सकते। अगर अली न होया तो जनाबे सैयदा की बराबरी करन लाल कैनात जहान का रहन च बंदा कोई नहीं। मैं गुजारिश पे करदा मस्जिद दी ना लैन तो सदक अल्लाह कैनात खलकी दियो मुस्तफा है, तो मुस्तफा ने अल्लाह इख्तियार दिता है। एक बंदे ने मस्जिद नबी च मुस्तफा के सामने आके बतूल सैन का रिश्ता मंगे, माजरत नाल सैयदा का रिश्ता तलब किया। मेरी आका ने फरमाया हया कर, जहरा का रिश्ता मंगना है। उस आके जी मैं हक माहर चंदा दे सा, पहला उठ तो बूहे ते बंद खड़ो सी, आखिरी उठ मेरे दरवाजे तो उठता खलो से, दौलत ना लदे उठ मैं तुहाडे बूहे ते सैयदा दे हक महारी चुड़े स। मेरी नबी फरमाया मेरे सामने ते मेरी कचहरी च बह के ते मेरी मस्जिद च बह के ते मैं दौलत की गल सुने ने। उस आख्या जी मैं जो आखसो हक मार देवन वास्ते तैयार हाँ। कायनात दी कोल रहमत गुस्से चाह के जमीन तो चंद पत्थर के टुकड़े चाहे संग्रेज़े चाहे हाथ च लिया के इस दी झोली च सट्टे, ते जिस वेले इस निगाह कीती पत्थर पत्थर नाई दुर ना याब बन गए न। ये सट के तो नबी पे फरमाते ने पत्थर नहीं, कायनात दे सारे पत्थर बतूल दी ना लैन दा सदका जर बन सकती है। फिर नबी ने अंगुलियां चाह के फरमाया एक बार आसमान आले पास निगाह कर, इस आसमान आले पास निगाह कीती है ते आसमान तो जमीन तक उठा की तादाद ते हर उठते संदूक मौजूद हैं। नबी ने इशारा किया ते एक फरिश्ते ने एक संदूक खोलिया, इसकी हीरे ते लालो जवाहरात ते डीड पई। मेरा आका मुस्तफा मुस्करा के फरमाते ने सारे उठ दौलत नाल लदे होन, हीरे लालो जवाहरात नाल लदे होन, ते सारा बतूल दा सदका है। तू के दे सकदे, तू सैयदा दा हक मार कितना मुकर्रर कर सकदे। निकल जा मेरी महफिल चू, कायनात सारी मुस्तफा दा सदका, ते मुस्तफा दी सारी जायदाद दी वहद मालिक है जनाबे सैयदा। ये जमीन मुस्तफा दी मलकियत है, ते जमीन दी मालिक है जनाबे सैयदा। पढ़े लिखे बाप सारे तो सजान दे हो, तुहाडियां पेशानियां दसदियां खड़ियां, तुहाडा फिका नाल तल्लुक है, फिका दा मसला है। अगर कुरान मजीद भी किसा घर तो तलावत करना है तो पहले मालिक को इजाजत मंगसो, फिर तलावत जायज है। अगर तुसा किसा दी हवेली च नमाज करीम दा सजदा देवना है तो नमाज पढ़नी है, पहले मालिक को इजाजत मंगसो, इजाजत है। मसलन नमाज दा वक्त होवे तो भाई मोहसन दी हवेली च आवां, ए मैं बैठक च बाहवन ते मैं आखा भाई जान मुसल्ला तो दियो, ये मुसल्ला मेरा मंगना इजाजत है। यानी मैं मुसल्ला मंगसा तो जे अगर राजी हिंद मुसल्ला ले आसन, तो जे राजी ना हो तो ना क्या के करनी, तो मैं दलील दे समय नमाज पढ़नी है। ते आख सकते मैं अपनी हवेली तैन सजदे की इजाजत नहीं देंदा, तो मैं मुझ तो हिद बन के उत्थे ही सजदा देवा, वो सजदा मालक मेरे मुँह ते मारना है, सजदा कबूल नहीं करना। जिसले मालक ही राजी नहीं, तो जे एक किले का दो एकड़ का दो मुरबे का दह मुरबे का जहरन मालिक जेड़े वह राजी न हो तो सजदा कबूल नहीं। तो इस पूरी कैनात दी जमीन की वहद मालिक है जनाब जहरा। तो जिस वेले सैयदा नाराज हैं, तेरा इस जमीन पर चलना हराम, तेरा फिरना हराम, तेरा खाना हराम जी, तेरा सौना हराम, तेरा वेखना हराम, तेरा उठना बहना हराम हो जाएगा अगर इस जमीन की मालिका राजी नहीं। बंदा दुनिया ते राजी, ते मालका राजी है, ते निजाम ठीक है, ते दुनिया तो टुर गई है, ते सब तो पहले अमल केड़ा कर दे हो गुसल दा। यानी मैयत नू गुसल दिता वेंदे, गुसल केड़ी शाय नाल होंदे, सारे बोलो भाई चंदा नहीं मंगता, जिन्ना मैंने बुलाया उन्ना मैंने टोरना है, तुहाडी बुलार इत्थे मेरे नाल टोर इत्थे, थोड़ी जी जबान हलाओ। मैं गुजारिश की है गुसल केड़ी शाय नाल है, जेडे हाला भी नहीं बोलते मैयत नू दुध नाल गुसल देंदे हो, या तुहाडियां मैयत वास्ते कौसर आंदा है। मैं गुजारिश पे करदा मैं पानी नाल, ते पानी कित्थों आंदा है, जमीन चू। अगर जमीन की मालिका राजी नहीं तो मैयत का गुसल हराम है।
नसलत रहम उन्ने भाई, नसलत रहम उन्ने, सलामत रहो जी। अच्छा टुरदा फिर सह लेंदा खड़े तो टुरना हराम, फिरना हराम, चलना हराम, बोलना हराम, वेखना हराम। अगर मालका राजी नहीं, मर गए तो गुसल पानी नाल हुंदे ते पानी दा तल्लुक जमीन नाल है जी। पानी दी मालका जब तक राजी नहीं उतनी देर तक गुसल हराम है। तो जेड़ वेले गुसल होया उस तो बाद केड़ी शायदा वेला मरहला हुंदे कफन दा, कफन दा तल्लुक किदे नाल है? जमीन नाल। यानी तुसा जमींदार बैठे हो, छोड़ा दिया बी जमीन च गड्डिया, वह फुटिया, फिर फुल लगे, फिर कपाह, तो कपाह मिलों कारखाने च गई, धागा बनया, कपड़ा बनया, कपड़ा तुहाडी मार्केट च आया, तो सफेद रंग का कपड़ा मार्केट च आ गया। बंदा मर गए, बाबा जी तुसा किसा बंदे ने भेजिए जा इतने गज कफन लेके आ, वह गया तो कफन ले आया। इस कफन का तल्लुक किदे नाल है? जमीन नाल। एक कफन उतनी देर तक मुर्दे आस्ते हराम है जितनी देर तक इस कफन दी मालका राजी नहीं। तो जेड़ वेले तुसा कफन पवाया, जनाजा पढ़ी गया, तो फिर मरहला केड़ी शायद आंदे दफन, दफन कित्थे कर दियो? जमीन। उन कई मैं फकीर वेखे ना जेड़े माड़ियां ते दफन है, अभी तो बंजिए ना फुलर वन आए पास, पता नहीं तुम गए होसो ए सच अग भावे तजम्मल उरी आए पास लगी है ना, तो राह तो आंदा बगदादियां दा दरबार। वो एक दरबार के उत्ते मोटा जिहा लफ लिख सिया टौरां वाली सरकार। वो जी टौर वाली सरकार है उसनू जमीन च दफन नहीं किया, ऐ छाते ते छत के उत्ते उन्हां दी कबर है जो टौर वाली टौर वाली है, तो छत्त ते ही दफन होंदे ने, क्या ख्याल है? जमीन च दफन करन तू पहले वेख भाई जमीन दी मालका राजी है। मैं आखिरी जुमला जनाब नू दे रहा, तो जनाब दी ज़हमत मुकंदा खड़ा जनाब सैयदा नाल अगर मुहब्बत विला मुवद्दत ना होवे मिंबर आल मुहम्मद इज्जत की कसम है, टुरना हराम है, वेखना हराम है, बोलना हराम है, सुनना हराम है, खाना हराम है, पीना हराम है। जिस वेले दुनिया तो टुर गए तो फिर गुसल हराम है जब तक सैयदा राजी नहीं, जिस वेले कफन पाने ही तो कफन हराम है जब तक बतूल राजी नहीं, तो फिर जिस वेले दफन करना है मिंबर आल मुहम्मद इज्जत की कसम, बंदा कालू आल का होवे, हाथी वेंदो होवे, राय वेंदो होवे, मक्के मदीना दा होवे, मशरक तो लेके मगरब, शुमाल तो लेके जनूब, पूरी कैनात रहन जहां जिथे भी कोई बंदा मर जाए ते जेड़े मकाम ते दफन होवे भावी नबी को लोवे ते भावी नबी ने किसा मकाम ते होवे उतनी देर तक दफन होड़ा हराम है जब तक बतूल राजी नहीं। सैयदा राजी है ते दफन होना जायज, बतूल नाराज है ते दफन होना हराम है। ये जेड़ी जमीन दी मालका है इस दी औलाद नू त्रै दिन तक किसा कफन नहीं पवाया। नबी दी धी दी औलाद नू त्रै दिन तक मुसलमान ना दफन न कीता। चिटिया डाड़ी वाले मोमनी नो सदात इतनिया इज्जतां दी मालक नबी दी धी। मेरी आकाजादी ने जेड़े वेले आखिरी लम्हात आए ना जनाबे सैयदा दे ते आली अधीन करीब छड़िया, फिर मोहसिन शाह जी करीब छड़ के तुहाडी दादी आली हसैन नू पे फरमाइंदे ने बेटा मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, मैं दुनिया ते आई वास्ते बेटी बन के, फिर अली दे घर गई हाँ तो बीवी बन के, फिर हसनैन तुसा मेरी झोली चाहे तो मैं माँ बन गई, मैं बेटी दे असूल कानून आने वाली नस्ल तक पहुँचाएन, बेटी कैसी होनी चाहिए, मैं अली जैसे शहनशाह दी हवेली च गई हाँ बीवी बन के, तो मैं दसिए बीवी कैसी होनी चाहिए, मैं माँ बनी है तो माँ का असूल दसिए माँ कैसी होनी चाहिए। जनाबे सैयदा दी अम्मा रुन्नेन, पता नहीं तुसा केड़े रंग जुमला वसूल करना है, जनाबे सैयदा रुन्नेन ते रोक पे फरमाइंदे आलिया मेरा भिरा हाई कोई ना, तुहाड़ियां नस्ल आबाद होवेन, तुहाड़ियां हवेलियां आबाद होवेन, सिवाय इस गम दे दुनिया दे कहे गम में चाहे करके न रहो, मेरा भिरा हाई कोई ना, जो मैं भैन ते भिरा दे असूल लोगों के सामने रखा हाँ, जो भैन ते भिरा दी मुहब्बत नस्ल आबाद होने, भैन ते भिरा दी मुहब्बत कैसी आती है, आलिया है मैं तुहाडे जिम्मे पे कर दी। मेरी आकाजादी ने मासूम हथ माँ के कदम ते ला के आखे अम्मा बहन ते भिरा दी मुहब्बत आने वाली नस्लन मैं इंज दसे सा, पता लग सी बहन ते भिरा दी किवें मुहब्बत होंदी है, मत मुहब्बत दी आलिया इंतहा कर छड़ी, मकतल दस दी है
एक लम्हा अगर आ लिया हुसैन दे चेहरे ते निगाह न करिया ते बहन दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आंदी है। अगर हुसैन बहन को ना देखिया शादा तो मोमनीन ते करीमे करबला दे चेहरे ते मौत दी जर्दी आंदी है। मकतल च बड़ा दुखी एक वाकया लिखिया ने, एक दिन हुसैन हवेली च कदम रखिया, मेरे इमाम ने चारों तरफ निगाह की, आलिया बहन नजर ना आई। इंज बहन नू तलाश करदे 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 हुसैन एक मकाम ते पहुंचे ते निगाह की, आलिया जिहड़े मकाम ते सुते पए ने सी ज़्यादा, उत्थे सूरज दियां शुहावां आलिया दे चेहरे ते पईआं पौंदी। मेरा इमाम ए धुप बहन दे चेहरे ते बर्दाश्त न कर सकिया। मेरा इमाम उस पासे कंड करके खड़ गए जिहड़े पासो सूरज दियां शुहावां आ रही हैं। इमाम दे बदन तो जिहड़े वेले पसीना लहना शुरू होया, आलिया दी अख खुली ते भिरान पसीने शराबूर डिठेस। जिहड़े बहना दे भिरा बैठे हो तुहाडी हाय निकल वई सी, बहन भिरा दे गल च मासूम बाहीं पा के आ दिए, बहन मर वंजी केड़े वेले दा खलोता है। मेरे इमाम दी आवाज आई अम्मा दी जाई, मेरे खलोवण नू छोड़ मैं तैन धुप ते बर्दाश्त नहीं कर सकिया। जिहड़े वेले आखे ना मैं तैन धुप ते बर्दाश्त नहीं कर सकिया, मैं छां बनाइए, उस वेले मेरी अक आजादी फरमाइंदी है सजणा दे उधार होंदे ने। अज तुसा मैन धुप ते डिठे तुसा छां बढ़ाइए, अम्मा दा जाया बहन तेरे नाल वादा कर दिए, चारे कजा जिंदगी दे किस मोड़ ते तुसा धुप ते होए ते मैं छां बणे सां। उस वेले शबीर खलोते हैं जमीन ते जहन पे रुन्ना अकबर दा बाबा, ते मेरे इमाम रो के ते बहन दा चेहरा डे के फरमाइंदे ने मैं मरदा तुसा परदादार हो, मेरे नाल ए वादा न करो, अगर मैं हवेली च धोपते होया ते फिर तो तुसा छां बने सो, जो चारे कजा मैं हवेली दे बाहर धोपते होया ते तुसा ते परदादार हो, फिर किवें छां बने सो। जेड़े हाथ जनाब अब्बास दी अमानत रखते हो, हाय हुसैन करके सीने ते जरूर मरिया है, मैं मिंबर आले मोहम्मद इज्जत का समय, उस वेले आलिया दा वैन बुलंद होया, फरमाइंदे मेरा नाना मोहम्मद है ते अल्लाह दा रसूल है, मेरा बाबा अली है ते अल्लाह दा वली है, मेरे हसनैन तो सब भिराओ ते अल्लाह दे इमाम ते कायनात जहान दे इमाम हो, मैं खुद आलमा गैर मुअल्मा, मेरी माँ बतूल है, मरीमन दुल कुबरा सदी तक कुल कुबरा, इतने मासूम रिश्तिया नाल मेरा तल्लुक है ते मैं खुद आलमा गैर मुलमा, मैं जान दी हाँ केड़ा केड़ा सज्जन मेरा दुनिया ते आवना है। अम्मा दा जाया नाराज ना हो, जेड़े वेले अगर हवेली धोपते हो से मैं खुद छा बने सा, चारे कदा अगर हवेली दे बार तो सा धोपते हो मैं जान दी हाँ मेरा केड़ा केड़ा सज्जन आए, मैं गाजी टुरे सा गाजी दी ड्यूटी ले सा, मेरे हुसैन दे छां बना, रोने ही ते मातम करने ही जुमला ते ध्यान करे, उस वेले शबीर रो क्या दिन अब्बास न होया तके करे सो, मेरी आजादी फरमाइंदी है जिस नू मैं 18 साल बुरकिया जोखा पाल, मैं अपने पाले अकबर नू टुरे सा, अकबर वन बाबे ते छां बना, आवाज आई अकबर ना होया ते फिर के करे सो, फरमाया मैं हसन दी निशानी कासम नू टुरे सा, आवाज आई है कासम दी लाज ते घोड़े भज गए, वद के करे सो आवाज आई है नरवा मेरा इम्तिहान न ले, अकबर ना होया अब्बास ना होया कासम ना होया, मैं खुद बुरका पाक लगी आसा, मैं तेरे ते छा बड़े सा, हुसैन आदा खड़े अगर चारे कला बुरका लुटीज गया फिर के करे से, उस वेले अली दी धीया दी है मैं खुद लगी आसा, मैं अपने हत्था नाल छा बड़े सा, शबीर रो क्या दिन भेड़ न रुआ गल हाथ पसे गर्दन बच गए। हुण जनाब दे सामने ज़ाकिर अल बैत अज़हर खान बलोच साहब पौने एक बजे तक फजलम साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमान दे पौने एक बजे नमाज ज़ोरैन और ताम का वक्फा होगा इंशाल्लाह, इत्थे ही नाल मस्जिद बाजमात नमाज ज़ोरैन अदा की जाएगी। मलसी आजाद की जी दूजी नशिश है प्रोग्राम थोड़ी तब्दीली है, मेहरबानी करे नियाज़ हुसैन, ठीक इंशाल्लाह 1:30 बजे दूजी नशिश का बाकायदा आगाज हो जाएगा, ठीक इंशाल्लाह 1:30 बजे पढ़ने वाले
जाकिर अल बैस सैयद फखर अब्बास बुखारी साहब ऑफ रावलपिंडी, वो इंशाल्लाह ठीक 1:30 बजे।